हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर, और एक गांव है राजेपुर। जी हाँ दोस्तों, उस जगह पर हूँ। यहाँ पर एक धाम है, आप देख सकते हो लिखा हुआ श्री रामेश्वर महादेव मंदिर स्थल, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ आदि गंगा गोमती राजेपुर संगम पर, यानी कि यह संगम स्थान है। आज की वीडियो में आपको संगम दिखाने वाला हूँ। किस चीज़ का संगम है मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ पर नदिया के पार फिल्म शूट की गई थी। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारी माँ गोमती नदी हैं और सई नदी हैं, इन दो नदियों का जो है यहाँ पर संगम हुआ है। और वो किस जगह पर हुआ है मैं आपको दिखाने वाला हूँ आज की वीडियो में, कहाँ पर हुआ है। फिलहाल तो आप देख सकते हैं ये धाम जो है काफ़ी प्यारा है, और बरगद के यहाँ पे पेड़ आपको बहुत ही तादाद में देखने को मिलेंगे। सारे यहाँ पे बरगद के पेड़ हैं, और एक दो पेड़ आपको पकड़िया के देखने को मिलेंगे। और यह है राजेपुर गांव, और हम इस गांव से होते हुए आपको संगम दिखाने वाले हैं। आपको संगम हम दिखाएँगे जो गोमती नदी और सई नदी का संगम है, और यहीं से हम चलेंगे इधर जय निषाद राज पार्क। इधर निषाद राज पार्क है, वो पार्क भी आपको दिखाऊंगा। इसके साथ साथ मैं आपको संगम दिखाने वाला हूँ जो कि संगम है, और संगम स्थल मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में राजेपुर नामक एक गांव है जो कि जौनपुर स्टेशन से 22 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए निषाद राज की यहाँ पर प्रतिमा लगी है, विशाल प्रतिमा। और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ भाई साहब संगम स्थल, और ये जो मूर्ति है ना, मूर्ति बिल्कुल प्रभु श्री राम की जैसी ही लग रही थी, लेकिन यहाँ पे निषाद राज पार्क है तो निषाद राज की ही जो मूर्ति यहाँ पे लगी होगी। तो ये आप देखिए, इधर है संगम स्थल। नीचे से इधर चलेंगे, आपको पूरा हम दिखाएँगे जो संगम स्थान है माँ गोमती नदी का और सई नदी का, वो संगम स्थल मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए नाव भी है, अगर आप यहाँ पे नाव की सैर करना चाहते हैं तो नाव की सैर भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं अभी संगम स्थान पे। दोस्तों ये आप जो नदी देख पा रहे हो ये है सई नदी। ये देखिए आपके रायबरेली, उन्नाव और हरदोई से जो सई नदी आई है, ये वही सई नदी है। और जो लखनऊ और जो है लखनऊ सीतापुर, शायद सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से जो गोमती नदी आई है ये इधर से आई हुई है। तो इस जगह पे ये संगम स्थान है, आप देख सकते हो। अगर आपको नहीं पता था मैंने आपको बता दिया संगम स्थान गोमती नदी और जो है सई नदी का। उसके बाद गोमती नदी आगे से गोमती नदी ही हो जाती हैं, और सई नदी का जो है यहाँ पर इसके बाद अस्तित्व ख़त्म हो जाता है। इसके बाद गोमती नदी जाके पटना के आसपास जो है गंगा नदी में जाके मिल जाती हैं, वहाँ पे संगम हो जाता है। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा जो गोमती नदी जी का संगम था और सई नदी का संगम, वो मैंने आपको दिखाया। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये देखिए यहाँ पे मछुआरे मच्छी पकड़ रहे हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारा प्यार भरा नमस्कार।